Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy. Enemy down. मर गया मादर चोट ला 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 ला। तो भैया जी यार आप सभी का फिर से स्वागत है एक और कतई खतरनाक वाली गेम प्ले वीडियो में। और यार भाई तुम्हें पता ही होगा कि यार पबजी हो चुकी है बैन और बैन तो यार कब की हो चुकी थी, लेकिन अब जो भाई सर्वर्स भी क्लोज होना शुरू हो गए हैं और यार जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे शायद आपके भी मतलब गेम नहीं चल रही होगी। और इस गेम प्ले को भाई तुम बोल सकते हो कि यार मेरा आखिरी मैच बोल सकते हो, ठीक है। तो यार भाई इस वाले आखिरी मैच को तो यार भाई पूरा देख लेना तुम, यार आज तक तो कोई वीडियो देखते नहीं हो पूरी, लेकिन यार इसको देख लेना भाई तुम्हें पबजी की कसम भाई। अगर भाई तुम इसे देख लोगे तो पबजी वापस आ जाएगी, वरना नहीं आने वाली भाई। पूरा देख के जाओ और शेयर भी करना पड़ेगा तभी पबजी वापस आएगी। तो यार भाई आज किस वाले वीडियो में कतई खतरनाक वाला गेम प्ले है और यार गेम प्ले को पूरा देख के जाना बंद हो गया, कतई यार भड़ास पूरी निकाली हमने। और गेम प्ले की बात करें तो स्टेडियम उतर रखे हैं और सोलो का मैच लगाया है मैंने। और यार भाई सामने एक साइड में देख लो यार साला बंदे कहाँ उतर रहे हैं। चलो हम यहाँ पे उतरे और तुम्हें भाई उधर लेनी है भाई गन फाइट। और दो दो बंदे ऊपर छत पे उतर गए थे तो वो दोनों तो यार टीम अप कर लेते हैं, तो यार भाई उसके बाद अब उनको घुस के पेलना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे भाई गन गुन भी मिल चुकी थी तो मैं तो सोचने लगा भैया मैं बाहुबली हूँ, एक जंप लगाऊंगा और भाई खिड़की टाप के भाई उधर चल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए भाई ये मुझे पबजी वाले साला नीचे पटक देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर दो दो बंदे हैं तो यार दोनों को निपटाते हैं जल्दी से। और यार भाई मैं बहुत गंदा आदमी हूँ तुम्हें पता है भाई, इसको बेचारे को पेशाब करने भी दिया, बेचारा यहाँ पे पेशाब करने आया था और कोने में खड़ी रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ यार। तो यार उसके बाद भाई जिस बंदे से इसने टीम अप किया था ना तो वो वाला बंदा भी अभी आ जाता है। और यार इसको भी देख लो ये कति आग बगुला हो रखा है। और क्यों हो रखा भाई तुम्हें पता ही होगा, जिससे इसने टीम अप किया था उसकी तो मैंने कति गोभी खोद दी। तो यार उसके बाद देख लो भैया यहाँ पे इतने बंदे उतर रखे हैं तो यार सबको हमने निपटा दिया है। तो यार उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करते हैं, इनकी गन क्या उठाऊंगा भाई, इनकी कभी लींड इसी तो गन है इनके पास, इससे अच्छी तो मेरे पास ही है। तो यहाँ से सीधा भाई एक और जंप लगाएंगे और निकलते हैं यहाँ से। और उसके बाद भाई लास्ट बार भाई बॉर्ड दादा को तो पेलने दो, तैयार इनको सबसे पहले मार लेते हैं। और मैं कुछ और बातें भी करने वाला हूँ आपसे भाई आगे चल के करेंगे, पहले भाई तुम मतलब गेम प्ले का मजा लो। फिर उसके बाद ये वाला बंदा दिखता है तो ये पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था भाई करने दो इसे। तो यार उसके बाद हम इसकी गाड़ी उठाएंगे और यार यहाँ से कल्टी हो जाएंगे। तो यार भाई उसके बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ, आ रहा था तो मैं इस वाली साइड पे और तभी दिखता है भगता हुआ चोदू, तो यार इसको मारते हैं जल्दी से। और यार एक और बात बताता हूँ भाई, ये वाला जो हरामी आदमी था ना इसकी वजह से भाई पबजी बैन हुई। और कैसे हुई मैं बताता हूँ यार, एक दिन भाई हमारे मोदी साहब भी भाई पबजी खेलने लग गए और यार भाई इस आदमी ने गंदे आदमी ने भाई इसको बोलेंगे महागंदा आदमी, इसने कैंप करके मोदी जी को मार डाला और मोदी जी ने गुस्सा होकर भाई पबजी सारा बैन कर दी। इसलिए भाई तुम्हें भी ये किराया देता हूँ भाई कभी कैंपिंग करो ही नहीं मत भाई, कैंपिंग करने भी नहीं दो किसी को। और भाई कर रहा दिखे तो यार उसको बहुत गंदा मारो ताकि भाई अगली बार करे ना। तो यार ये तो थी भाई वह मजाक की बात और सीरियस मत ले लेना कहीं गलती से भी। तो उसके बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ भाई यहाँ से। तो यार भाई उसके बाद मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तभी दिखता भाई ये वाला लौंडा। और यार इसके भाई पिछवाड़े में पता नहीं किसने भाई स्प्रिंग फिट कर दिया था और साला भाई उछलता उछलता जा रहा था। और यार उछलता उछलता भाई इस वाले बंदे को मारने के लिए आ रहा था ये साला। और देख लो यार कहाँ ऊपर चढ़ के बैठा है और इसको मारने में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब खुद ही देख लो यार भाई एक स्मोक है और स्मोक से तो बंदा मरता नहीं है। तो इसको भाई मैं उकसा रहा था कि भाई मतलब बाहर निकल, अगर भाई तुम्हारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो बस एक ही चीज़ करो भाई, मतलब बंदे को दावत दो, दावत भाई आ जा भाई मुझे मार। मैं भी वही कर रहा था भाई, इसे बुला रहा था अपने पास, लेकिन हरामी आदमी आ ही नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में आ ही जाता है भाई। तो
यार इस यहाँ पे भाई मैंने बहुत बड़ा वाला पार्ट जो कट कर दिया और मैं कब से इसके साथ भाई ऐसे खेले जा रहा था और ये भी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो यार इसने भाई आखिरकार मतलब मरने का फैसला किया और मर भी गया। तो उसके बाद एक और बात करनी है भाई। तो यार अब हम भाई कुछ अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर लेते हैं यार कि भाई पबजी बैन होने के बाद क्या करने वाले हम। तो मैं बता दूं कि यार मैंने भाई 3-4 गाय जो है पकड़ रखे इधर उधर से आवारा घूम रही थी। तो यार मैंने बोला भाई हमारी बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो और गाय भी रेडी हो चुकी है। 4-5 गाय मैंने जो है भाई पकड़ रखी है और यार भाई पबजी बैन होने के बाद यही काम करेंगे भाई। मतलब कतई दूध बेचेंगे पैसा कमाएंगे, दूध बेचेंगे पैसा कमाएंगे, गोबर उठाएंगे और अपना काम हो जाएगा। और यार भाई अगर तुम्हें भी भाई हमारी कंपनी का दूध खरीदना है ना तो दुकान में जाना और बोल देना कि भैया लिंडा दूध दे दो, तो वो हमारा दूध नहीं मतलब हमारी गायों का दूध तुम्हें दे देंगे। फिर उसके बाद ये वाला बंदा भाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो यार सबसे पहले इसको मारने की कोशिश मैं भी करता हूँ और लेकिन ये मेरे से तो नहीं मरता, लेकिन एक और बंदा यहाँ पे होता है इसको भी मारने की कोशिश करता हूँ और साला ये भी नहीं मरता है। लेकिन अब कब तक बचोगे भैया, एक ना एक दिन तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तो यार इसी साथ भाई सफ़ेद फिराक वाली लड़की को तो मैं निपटा देता हूँ। लेकिन यार अब आ चुकी थी भाई जोन और यार सबसे पहले जोन पे निकलना चाहिए तुम्हें भी और मैं भी गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। और यार कुछ और बातें भी है तो यार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यार। तो यार अब सीरियसली बता देता हूँ कि यार भाई पबजी बैन होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पबजी बैन होने के बाद कोई नई गेम ट्राई करेंगे यार। मतलब गेमिंग थोड़ा ना बैन हुई है भाई, सिर्फ पबजी बैन हुई है। पबजी से अच्छी अच्छी तुम्हें बहुत सारी गेम्स मिल जाएंगी। माइनक्राफ्ट भी काफ़ी कमाल की गेम है और भाई बंदे देखना भी पसंद करते हैं। तो माइनक्राफ्ट की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पहले वाले चैनल पे और भाई पहले वाले चैनल का तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लव राइट गेमर के नाम से चैनल है और 10,000 सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज़ नहीं आते क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालता। और यार उस पे भाई मैं अब आई थिंक रेगुलर जो है भाई माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट कर दूंगा और इस चैनल पे कुछ और डालेंगे, लेकिन डालेंगे भाई कुछ ना कुछ। तो यार भाई उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं और सामने एक साइड में इस वाले बंदे ने फ्लेयर चला रखी थी। तो इस वाले बंदे को निपटाते हैं और इसका माल पानी उठाते हैं यार। तो उसके बाद एक ग्रेनेड होता है तो यार मैं सोचता हूँ चलो भाई ग्रेनेड मारेंगे और इसके भाई कच्चे कुच्चे में घुस जाएगा और कतई इसका सारा फट जाएगा सब कुछ। तो वही होता है और देख लो यार भाई मर चुका है। लेकिन सारे ने भाई मेरी प्लानिंग करके रखी थी भाई जैसे आएगा और मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन यार यहाँ पे थोड़ा सा बच जाता हूँ मैं अपने लैग के कारण। चलो भाई जो भी होता है भाई अच्छे के लिए होता है। तो उसके बाद इसकी माल पानी उठाएंगे और निकलते हैं यहाँ से यार। तो यार अभी तक तो तुम सारे यार वीडियो देख ही रहे होंगे। तो यार तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया लाइक भी कर दो और भाई मतलब सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना और यार रोज़ वीडियो देखने आ जाएगा ना तुम्हें साला भाई पबजी की कसम। और यार तुम चाहोगे नहीं यार कि पबजी को बैन करवाना, तो इसलिए भाई पबजी का लिहाज रखो भाई आज के दिन। तो उसके बाद मैं मतलब इस वाले बंदे पर रश कर देता हूँ। तभी मुझे उस साइड बंदा दिखता है लेकिन ये साला भाई बहुत कमाल का फायदा उठाता है और मुझे एक आध गोली टेप देता है और तुम्हें दिख ही गया होगा ऊपर इसका सिर। तो इसको अभी निपटाते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद भैया मतलब वो नीचे वाला बंदा तो दिखने का नाम ले ही नहीं रहा था। तो इस वाले बंदे पे मुझे रश करना ही पड़ता है और मैं कर भी देता हूँ भाई। और यार भाई देख लो क्या ही बचाऊँ मैं भाई, मतलब बोल सकते हो पबजी मेहरबान तो गधा भी पहलवान और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अरे मैं पता नहीं कैसे बच गया लेकिन भैया बस बच गया भाई, 0 HP पर बचाऊँ। तो उसके बाद वो ऊपर बंदा बैठा हुआ था उसको निपटाना पड़ेगा भाई। ले 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 मेरा बाबू कैंप करेगा तो ऐसे ही मरेगा। तो यार इस वाला बंदे को निपटा देता हूँ। और यार अब देख लो मेरे सिवाय एक बंदा रह रहा है तो यार उसको भी मारते हैं जल्दी से और लेते हैं भैया चिकन डिनर, आखिरी चिकन डिनर आई थिंक। मैं देख रहा हूँ भैया जी ये बंदा इतने चौड़ में कैसे आ रहा है और तब पता लगता है कि साले के हाथ में भाई S12 के, तो यार चौड़ तो बनती थी बंदे में। तो यार बेचारा हेल्थ लगा रहा था और वो भी लगाने नहीं दी आखिरी बार। तो कोई बात नहीं, इसी के साथ एक कमाल का चिकन डिनर और आखिरी चिकन डिनर हो सकता है मेरा। मेरा नहीं होगा लेकिन मतलब गेम का अब क्या बोलूं यार भाई, मैं तो जिंदा रहूँगा लेकिन गेम ना रहे रहे ना रहे भाई कोई पता नहीं। और यार भाई सब्सक्राइब तो सब कुछ तुमने कर ही दिया है और शेयर करना चाहो तो यार भाई कर दो क्या भाई, कर ही दो तुम भाई, तुम्हें पबजी की कसम। तो उसके बाद आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होती भी है या फिर नहीं, क्या होता है भाई देखते हैं भाई क्या होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।